दोस्तों मान लीजिए आप समुद्र में गोते लगाने गए हैं और गलती से आपका सामना शार्क से हो जाए तो उस स्थिति में आप शार्क के हमले से कैसे बचोगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसके मदद से आप शार्क के हमले से बच सकते हो। नंबर वन, अगर आपके ऊपर शार्क अटैक करने वाला है तो खुद को बचाने के लिए आप कभी डेड होने का दिखावा मत करना, क्योंकि आप डेड होने का दिखावा करेंगे तो शार्क तुरंत ही आप पर अटैक कर देगी और आपको उसके अटैक से बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। नंबर टू, डटकर सामना करें। अगर शार्क आपके सामने आ जाता है तो आप उसे डरकर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि पानी के भीतर आप शार्क से ज्यादा तेज नहीं तैर सकते हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि बचकर भागने की कोशिश ना करें बल्कि उस पर अटैक करें। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी भला इतने बड़े शार्क से कैसे लड़ सकता है, तो दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, आप शार्क के गल फड़े और उसकी आंख के पास एक जोर से पंच मारिए। आपका पंच लगते ही शार्क वहाँ से भागने का रास्ता देखना शुरू कर देगी। शार्क ज्यादा देर तक अपने शिकार के साथ जूझना पसंद नहीं करती है। अगर आपके पास कोई वेपन है जैसे कि चाकू या कोई नुकीला औजार हो तो आप शार्क के नाक या उसके गल फड़े पर हमला कर सकते हैं। नंबर 3, जितना जल्दी हो सके आप पानी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि शार्क दोबारा कभी भी आ सकता है।